तो भी गाइस पंगा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। सोसाइटी के बाहर ना पुलिस आई है तो मुझे बुलाया गार्ड ने, पता नहीं क्यों क्या हो गया। चलो देखते हैं क्या सीन है। हैं, मैं भी आऊं? पुलिस आई है, मैं भी आऊँ। क्या हुआ? मेरा दिल तेज से धड़क रहा, पता नहीं क्या हो गया। मैं पता नहीं पुलिस का क्या सीन हो गया मेरे को। हैं पापा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार। पता नहीं क्या हो गया, सडनली मेरे पास फ़ोन आया और मेरे बारे में पूछती है। सौरभ जोशी, सौरभ जोशी यहीं रहते हैं ना। वैसे मैंने बोई भैया को फ़ोन कर दिया, बोई भैया भी आ रहे हैं, बिकॉज मेरे को डर लगता है यार, वो देखेंगे जो होगा। तो कैमरा आप पकड़ो, कैमरा पकड़ो। कार्ड साहब बता रहे हैं कि बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, गेट पर चढ़ जाते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? थोड़ा जो लोग आते हैं उनको बताया करो कि थोड़ा सा। नहीं सर, जब से मैं आया हूँ तब से तो कोई ऐसी वो नहीं हुई घटना कि जो कि गेट कूद के इधर को आए। जैसे पहले हुई थी बोलते हैं, जब ये फर्स्ट फर्स्ट में आए थे तो मुझे अभी बताया ना कि ऐसे चढ़ जाते तो गेट पे मत। सर मैं तो मना ही करता हूँ अपनी वीडियो। नहीं नहीं, उन्होंने तो खुद ही लिख रखा है। हाँ मैंने बाहर बाहर नोटिस भी डाल रखा कि यहाँ पे सोसाइटी वाले मना करते हैं, तो सोसाइटी वाले भी बहुत कंप्लेंट करते हैं ना। आप लोग भी अपने वीडियोस जो है ना, अपने जो अपने जो आपके जो बच्चे आपको फॉलो करते हैं, मेरे बच्चे भी आपको फॉलो करते हैं, तो उनको एक मैसेज दे दो कि ऐसे ना करें, और आपकी वजह से और लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। इतने और लोग हैं ना, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। कैसे सर? आइए बैठिए ना प्लीज़। मैं अपनी वीडियोज़ में बोलता रहा, मैं डेली बोलता हूँ अपनी वीडियोज़ में, जब भी कोई आता है कि प्लीज़ प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के, मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी करा है, लेकिन अब नहीं मानने वाले नहीं मानते ना। अरे वो तो चलो, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। क्योंकि जब ये गाड़ी चला रहे थे हल्द्वानी में, बोला जब मेरे को देखते हो भैया, मैं जब रुकता हूँ तभी वो करो, अन्यथा मैं अपनी गाड़ी का ध्यान देता हूँ, मेरी गाड़ी टकरा वो होते होते बची है अभी। कई बार होते हैं ऐसे, क्योंकि आगे वाला ब्रेक लगाया। बड़ी कंप्लेंट रहती है यहाँ पर, भीड़ खड़ी हो जाती है। हाँ यहाँ आते हैं, इकट्ठे बैठ जाते हैं लोग, जहाँ तक लोग वीडियो बनाने आते हैं सारे। वीडियो बनाने तो कोई मतलब नहीं होता यार। सर आइए सर, पानी पी लीजिए थोड़ा, दो एक ग्लास बैठ के भर लेंगे सर। आइए सर, पास में घर है यहीं पे, आइए। तो बात ऐसी है, कंप्लेन आई है, पता नहीं कहीं से कंप्लेन आई है कि सोसाइटी के बाहर जैसे कि लोग खड़े रहते हैं ना और भीड़ लगे, तो सोसाइटी वाले, पता नहीं सोसाइटी वाले में किसने कंप्लेन करी है। तो हाँ तो सर आए थे, वही बता रहे थे। मैंने सर को बोला, मैंने तो वीडियोस में बोलता रहता हूँ, बट बाकी तो सब ठीक है। वीडियोस तो अच्छी बात है, वीडियोस बनाओ, सब चीज़ दो, बहुत से बच्चे आपको देखते भी है, वो आपको वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छा मैसेज भी आता है। लेकिन हमारा पॉइंट भी है कि आपकी वजह से कोई औरों की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो ना, कॉलोनी में और लोग भी रह रहे हैं, तो और आपके वो तो फॉलोअर जो करते हैं आपको, आपको करते हैं, लेकिन और उससे डिस्टर्ब होता है। तो काफ़ी लोग कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ आके कोई गेट पर चढ़ जाता है, औरतें बच्चे हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा अपने अपने तरफ से ना एक मैसेज दो अपने जो अपने सब्सक्राइबर्स जो आपको करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, कि वो थोड़ा संयम रखें। सबसे मिलना है, आप जब इस मुकाम पे पहुँचे हो तो लोग आएंगे ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन, मतलब आपकी वजह से किसी और की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये रहता है। बाकी दूसरा वही कि गाड़ी जब आप जाते हो तो ओवरटेक कर रहे हैं बच्चे, तो ये मैसेज आप दो, हम देंगे, हमें तो इतना नहीं करेंगे, लेकिन आप ये मैसेज दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो हमारा कैरावैन था उसको ओवरटेक कर रहे हैं ऐसे मोटरसाइकिल्स कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क है। विदाउट हेलमेट तीन तीन लड़के मैं देख रहा था बाइक में चल रहे, तीन 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 बंदे एक बाइक में चल रहे और किसी ने हेलमेट नहीं पहना है, उसके बाद ओवरटेक करते हैं गाड़ी को, तो वो गलत है ना सर। एक फोटो के लिए आप अपनी जिंदगी रिस्क पे ले रहे हो। तो मैंने तो इतना बोला है वीडियो में, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, जब भी कोई करता है मैं उसी टाइम वीडियो में बोल देता हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत तुम्हारे बहुत चाहने वाले यहाँ पर लोग, सबके साथ रहना है ना, लेकिन सेफ्टी भी जरूरी है, ठीक है, अपनी भी और उनकी भी। मैं अच्छा भला ब्लॉग कर रहा था आज और एकदम से पुलिस आ गई, पता नहीं क्या, लेकिन उन्होंने अच्छे से समझाया मुझे और मैंने भी उनको बोला, जैसे कि आपने देखा थोड़ा बहुत, और हाँ वो मुझे जानते थे, उनके घर में मेरे वीडियोस भी देखते हैं उनके बच्चे, तो हाँ तो उन्होंने समझा सब कुछ, और पता नहीं क्या किसने कंप्लेन कर दी, लेकिन मैं भी वीडियोस में बोलता रहता हूँ यार, लोग समझते ही नहीं, मैं क्या करूँ यार, मेरे को लग रहा है मेरे को घर चेंज करना पड़ेगा, या तो ऐसी जगह पर, फिर मैं दिखाऊँगा ही नहीं बिल्कुल भी ना, गली भी नहीं दिखाऊँगा अपनी। मैं ओपनली व्लॉग करता हूँ ना तो सबको पता है मेरा घर कहाँ है, मैं अपना घर भी दिखाता हूँ, क्योंकि यार मैं कुछ छुपाता ही नहीं, मैं नॉर्मली अच्छा लगता है ना, सब कुछ दिख रहा है, तो हाँ। लेकिन मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी अपना घर दिखा के, बिकॉज मैं सबको नहीं कह रहा हूँ,
99% सब्सक्राइबर्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन जो 1% लोग होते हैं जो वीडियो के चक्कर में आते हैं और बदतमीजी करते हैं बाहर और बहुत कुछ करते हैं ज़बरदस्ती, और लोग दूसरों की वीडियो बना देते हैं, सोसाइटी वालों की वीडियो बना देते हैं, तो हाँ उनकी वजह से ये सब होता है। लेकिन एक बात सही है, जो सर थे वो काफ़ी सही थे, वो सब कुछ समझ रहे थे, उन्होंने भी समझाया अच्छे से, तो हाँ अच्छे से सब कुछ शॉर्ट हो गया। गाइज एक बात सच्ची बताऊँ ना, ये सब मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब इतना नेम फेम, इतने लोग मिलने आएंगे मेरे को नेम और फेम के लिए मैं यूट्यूब पे आया ही नहीं था, और आज देखो मतलब क्या क्या हो रहा है। मैं रियल लाइफ में ऐसा हूँ ना, फैमिली के साथ में रहने वाला, घूमने फिरने वाला, ट्रैकिंग पहाड़ों पे घूमना, और बस मुझे यही पसंद है, मुझे सिंपली रहना फैमिली के साथ में नॉर्मली। मैं नेम और फेम के चक्कर में कभी आया नहीं था, लेकिन अब इतना ग्रो हो गए हैं, इतने लोग जानते हैं, ऐसा नहीं मैं सबको बोल रहा हूँ, सब मुझे बहुत प्यार देते हैं, लाइक मुझे मेरी हर वीडियो पे 5 से 10 मिलियन व्यू चले आते हैं, जिसका तो ये थोड़ा है कि 10.5 मिलियन लोग मेरे घर के बाहर खड़े हैं, उसमें से कुछ 1% या फिर 1% से भी बहुत कम परसेंट लोग जो जिनको मतलब अपने मतलब के लिए आते हैं वीडियो बनाने के लिए सिर्फ, तो हाँ वो उनसे दिक्कत होती है बस। मतलब मैं देख रहा हूँ सब भी मेरे पीछे पड़े हैं, सारे यूट्यूबर्स, आसपास के लोग भी काफ़ी, मतलब देख रहा हूँ क्या हो रहा है। ये जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं, मैं नई नई एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इतना नेम, इतना फेम, इतने लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, उसमें कुछ लोग ख़राब भी मिलते हैं, कुछ लोग बदतमीजी करते हैं, तो उसकी वजह से फिर पुलिस भी आती है, उसकी वजह से अभी पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा, तो हाँ मतलब, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, और मैं ऐसा भी हूँ भी नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ यार, बहुत ज़्यादा नॉर्मल हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे साथ में रहते हैं, उनको पता है बहुत बहुत ज़्यादा नॉर्मल हूँ मैं। आपने देखा होगा कितने सारे इवेंट्स होते हैं, मैं कहीं नहीं जाता, यूट्यूबर्स के इवेंट्स होते हैं, बहुत ही सारे इवेंट्स होते हैं, मेरे को शौक ही नहीं है, मेरे को नॉर्मली वीडियोज़ बना रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ, फैमिली के साथ रह रहा हूँ बस, मुझे मतलब ही नहीं किसी से, लोग ही आते हैं फालतू वीडियोस बना के बोल बाल के चले जाते हैं। और मैं अपने आपको पता है एज ए यूट्यूबर भी नहीं सोचता, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे इतने सब्सक्राइबर, मैं सोचता ही नहीं, कभी नहीं सोचता, मैं एक नॉर्मली पर्सन की तरह सोचता हूँ अपने आप को। शायद यही दिक्कत है कि मतलब जिन सारे लोग आते हैं तो मैं डर जाता हूँ, मेरे को अजीब सा लगता है, क्योंकि मेरे को नॉर्मल लाइफ जीनी होती है ना। तो मेरी तरफ से कान पकड़ के सॉरी, मेरी तरफ से जिसको भी दिक्कत हुई है, सोसाइटी वालों को या फिर किसी को भी दिक्कत हुई है मेरी वजह से, तो सॉरी, तो बस और क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। अब इससे पहले जो मैंने आज पूरा दिन ब्लॉग बनाया था वो मैंने डालने वाला, मेरा मन ही नहीं कर रहा, यही डाल दूंगा थोड़ा बहुत। और सर ने ही बोला था, पुलिस वाले सर आए थे ना, उन्होंने बोला था कि डालना, तो हाँ चलो बाय।